हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है वो है प्रारंभिक समाज। इतिहास का बहुत ही अच्छा चैप्टर है और जहाँ से इतिहास शुरू होता है वहाँ से यह चैप्टर की शुरुआत होती है। तो इसी के बाद से हमारे इतिहास में क्या क्या घटित हुआ, तो प्रारंभिक समाज को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसे बोलते हैं द अर्लीस्ट सोसाइटीज। NCERT की जो चैप्टर है उसके माध्यम से मैंने आपको यह चैप्टर समझाया था। अभी मैं यह चैप्टर आपको TET का जो सिलेबस है उसके माध्यम से भी समझा रहा हूँ कि TET में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस सिलेबस से। तो सबसे पहले, जैसे कि हमें मालूम है, अगर हम बात करें प्रारंभिक समाज की, तो प्रारंभिक समाज की अगर बात होगी तो समाज किससे बनता है? इंसान से। तो सबसे पहले कौन आया था? जो प्रारंभिक मानव था। तो प्रारंभिक जो मानव था वह शुरुआत में पूरा का पूरा प्राकृतिक तरीके पर जीने वाला इंसान था, और जो कि आजकल के ज़माने में आप देख रहे हैं ऐसा कुछ भी पहले नहीं था। लाखों साल पहले की बातें हैं कि जब जो इंसान था वह इंसान ही नहीं था, यानी कि कहा जाए तो वह उसका यह रूप नहीं था। वह आदिमानव, और आदिमानव से पहले वह चारों पैरों पर, यानी कि दो हाथ और दो पैर पर चलने वाला इंसान हुआ करता था। धीरे धीरे इंसान का विकास हुआ। तो जो आरंभिक इंसान जब आया तो वह शुरुआत में पूरा का पूरा प्रकृति के ऊपर निर्भर था। खाने पीने में सिर्फ मांस, कंदमूल, फल ये सब खाया करता था, और उसका जो मुख्य भोजन समझ लीजिए या फिर मुख्य व्यवसाय या मुख्य उसकी आजीविका है वो थी आखेट। वह आखेट पर ही पूरा का पूरा निर्भर करता था। आग के बारे में उसे मालूम नहीं था, कोई भी औजार के बारे में उसे मालूम नहीं था, और धातु इन सब बातों के बारे में, कृषि के बारे में से कुछ भी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे, और उसके अलावा वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, ना ही उसके पास आजकल की तरह कोई घर या कोई ऐसी गुफा हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब इनका विकास हुआ, उन्हें समझ आई, तो जैसे जैसे समय बदलता गया इन्होंने रहने के लिए स्थायी निवास बनाने शुरू किए। उसके बाद जिन शिकारों के लिए, जिस शिकार से इन्हें खाना पीना मिलता था, उन शिकार को करने के लिए इन्होंने पत्थरों का उपयोग शुरू किया। फिर धीरे धीरे आग की खोज की और धातुओं का पता किया। तो इस ये पूरे के पूरे जो समय था उसे जो पुरातत्वविद हैं, जो जो खुदाई करते हैं, जो वैज्ञानिक, उन लोगों ने इसे तीन भागों में बांटा था। पूरे के पूरे काल को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल या फिर प्रागैतिहासिक युग। लेकिन उनको तीन भागों में बांटने पर, एक तो हुआ था पुरापाषाण काल, पाषाण मीन्स होता है पत्थर, और दूसरा था मध्य पाषाण काल, और तीसरा था नव पाषाण काल, जिसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें लगभग 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहा करता था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते थे? खाद्य संग्राहक, यानी कि खाने पीने के सामान को स्टोर करना। अभी आप बोल सकते हैं कि खाद्य संग्राहक कैसे बोलते थे, तो वो ऐसे बोलते थे कि बहुत सारी ऐसी हमें गुफाएं मिली हैं हमारे खोजकर्ताओं को, कि जहाँ पर पाया गया है कि इन्होंने बहुत सारे सामान को, खाने पीने के सामान को स्टोर करना शुरू किया था। लेकिन उस ज़माने में लोग जो कि कृषि कार्य है और पशुपालन है उससे पहले परिचित नहीं थे, आग से परिचित नहीं थे। तो जब जो आरंभिक मानव है, आरंभिक मानव में अगर बात किया जाए, तो भोजन और पानी इन दोनों की खोज के लिए जो आधुनिक मानव क्या करता था, अपने पशुओं को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह चला जाया करता था। अब वह एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता था, इतनी परेशानी क्यों लेता था? इसलिए क्योंकि जहाँ पर भी ये कुछ दिन के लिए रुकते थे या रहते थे, और उस एरिया में ये क्या करते थे, सब कुछ ख़त्म कर देते खा पी के, वहाँ के फूल फल घास। तो उसके बाद जब ख़त्म हो जाता था तो ये दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते थे। तो इस तरह से ये भ्रमण करते थे। आरंभिक मानव था, जिसे बोलते हैं अर्लीस्ट ह्यूमन, वह पूरा का पूरा भोजन पर निर्भर था, और भोजन के लिए वह शिकार पर निर्भर था। तो अपने शिकार को ढूंढने के लिए वह अलग अलग जगह पर जाते रहते थे। पेड़ और पौधे जो कि अलग अलग मौसम में आते हैं, जैसे कि आम आएगा अलग मौसम में, कुछ पौधे अलग मौसम में आते हैं जो कि पशुओं के लिए अच्छे होते हैं, तो उसके चक्कर में भी इन्हें अलग अलग जगह पर घूमना पड़ता था कि जब जिस मौसम की फसल जहाँ पर होती थी, जो पेड़ पौध, वहाँ पर ये पहुँच जाते थे। और जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्हें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिली हैं कि जिनका निर्माण और उपयोग जो शिकारी टाइप के जो खाद्य संग्राहक थे, जो आरंभिक मानव था, उन्होंने किया होगा।
आरंभिक मानव थे, उन्होंने अपने कामों के लिए पत्थर, लकड़ी, हड्डी, इनके औजारों का निर्माण किया। इनमें से क्या क्या उन्होंने पत्थरों के जो औजार हैं वो हमें आज भी मिले हैं, इसी आधार पर हमने बोला है, क्योंकि पत्थर लकड़ी की तरह गलेगा नहीं, समय के साथ घुटेगा नहीं या फिर टूटेगा नहीं, तो उसके औजार हमें आज भी मिले हैं जब पुरातत्वविदों ने खोज की थी। तो ये उन औजारों का उपयोग किसके लिए करते होंगे? फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की जो खाल है उन्हें उतारने के लिए करते होंगे। और बहुत सारे औजार ऐसे मिले हैं, जैसे कि आजकल के ज़माने में हम कुल्हाड़ी यूज करते हैं या तीर होता है, कि आगे तो रहता है पत्थर और पीछे लकड़ियों के हत्थे लगे रहते हैं या मूठ लगे रहते हैं, तो इनका उपयोग भी वह अलग अलग जगह में करते थे। और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। आरंभिक मानव का जो निवास स्थल है, अगर हम बात करें तो आरंभिक मानव क्या था? पुरा स्थल में रहते थे। पुरा स्थल क्या होता है? कि जहाँ पर उनके जो सामान होते थे, औजार, बर्तन और इमारत, इस तरह की वस्तुओं के अवशेष मिले, यानी कि वहाँ पर वो लोग स्टोर करके रखते थे। तो ऐसी वस्तुओं का जो बनाया जाता था वो इसलिए बनाया जाता था कि वो अपने काम आ सकें और बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़ के चले जाते थे। और ये औजार थे वो ज़मीन के ऊपर मिले हैं हमारे खोजकर्ताओं को, कहीं कहीं समुद्र के तले में भी मिले हैं या फिर कहीं नदियों के तल में भी पाए गए हैं। अगर इसके उदाहरण देखें पुरा स्थल के, तो भीमबेटका, होन्सगी, कुरनूल, ये जो तीन जगह हैं यहाँ की गुफाएं भारत में हैं जो कि पुरा स्थल कह सकते हैं। यहाँ पर जो मानव था खाद्य संग्राहक, उनके होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी प्रमाण मिला है कि यहाँ पर बहुत सारे खाद्य संग्राहक शिकारी रहते थे। बहुत सारे प्रायस्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। जो भीमबेटका है वह है आजकल जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर स्थित है, और जहाँ पर आदि मानव रहते थे इस बात की पुष्टि हुई है, जो प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो गुफा और कंदरा हैं वे उसमें इसीलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर बारिश से, धूप से और हवाओं से आराम मिलता था। और ये जो प्राकृतिक गुफाएं हैं, इसी तरह की प्राकृतिक गुफाएं विंध्य, जो विंध्याचल है, विंध्य पर्वत है, और दक्कन के जो पर्वतीय इलाके वहाँ पर भी नर्मदा घाटी में मिलते हैं। तो इन सभी जगह पर जो आरंभिक मानव वह पुरा स्थल बना के रहते थे। जब इन्हें निवास स्थान हो गया, तो उसके अलावा इन्होंने जब धीरे धीरे औजारों का प्रयोग किया, तो औजारों के लिए सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया गया। और ये पत्थर के जो औजार थे उनको दो तरीके से बनाते थे। एक तो क्या है कि पत्थर से पत्थर को, कि जैसे कि एक पत्थर को एक हाथ में ले लिया, थोड़ा नुकीला है, दूसरे पत्थर को नीचे रख लिया और एक पत्थर से दूसरे में वो मारते रहे और उसको एक तरीके की आकृति देते थे, जैसे कि हथियार टाइप की, और उसे तब तक करते थे जब तक कि उसकी आकृति ना आ जाए। और दूसरा होता था, इसे बोलते थे दबाव और शल्क तकनीक। तो दबाव शल्क तकनीक क्या होती थी? इसमें एक जो क्रोड है, क्रोड मीन्स जो एक पत्थर टाइप का, उसको एक स्थिर सतह पर टिकाते थे और इस पर हड्डी या फिर कोई पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से उसमें आकृति बनाते थे, जैसे कि पहले बनाते थे, ठीक है? तो इससे क्या होता था, जिस तरह का उन्हें चाहिए होता था उसी तरह का उपकरण वो बना लेते थे। इसके बाद दोस्तों, जो प्रारंभिक मानव है उन्होंने आग की खोज की। तो जो आजकल का जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर कुरनूल की गुफा है, वहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं, जिससे कि बोला जा सकता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का प्रयोग जैसे कि प्रकाश के लिए, खाना पकाने के लिए जैसे कि मांस, और खतरनाक जानवर जो होते थे उनको भगाने के लिए किया जाता था। मानव को आग की जानकारी जो पुरापाषाण काल है ना, उसमें भी निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, लेकिन आग का उपयोग है वह नव पाषाण काल में शुरू किया था। प्रारंभिक समाज के जो मानव थे उनकी संस्कृति, संस्कृति मीन्स उनकी जो कला, चित्रकला, ये सब बातें हैं जो, वो सब की जानकारी कैसे मिली है? तो होमो हैविलिंस जो बोले जाते हैं, जो कि सबसे पहले बोलने वाले प्राणी थे, उन्हें बोला जाता है क्या? होमो हैविलिंस। तो होमो हैविलिंस थे जो सबसे पहले वाले बोलने वाले प्राणी थे। तो उनकी जो बोलने वाली भाषा और कला थी उसका विकास लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पहले हुआ था। और जो आरंभिक मानव है उन्होंने अपनी कला क्षमता का प्रयोग स्पेशली चित्रकला के रूप में किया है, खास करके पत्थरों के ऊपर चित्रकला करने में। जिन गुफाओं में आरंभिक मानव रहते थे उनकी बहुत सारी दीवारें हैं, उन दीवारों पर बहुत सारे चित्र मिले हैं। इन चित्रों के उदाहरण हैं जैसे कि मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश है उनकी गुफाओं में। इन चित्रों में क्या है कि जंगली जानवरों का चित्रण किया गया है, जंगली जानवरों को छापा गया है।
तो इस तरह से उस समय के मानव की जो संस्कृति बोल सकते हैं आप, कला, भाषा, ये सब के भी साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभिक समाज के समय जो समाज को तीन भागों में बांटा है इतिहासविदों ने, प्रागैतिहासिक काल को, तो प्रागैतिहासिक काल क्या था? द प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि जो वह पूरा का पूरा समय था उसको वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिक जो सॉरी जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने बोला है प्रागैतिहासिक काल या फिर प्रागैतिहासिक युग। इसमें होता था पहले पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण यह क्या है? पोलियो और लिथिक, इसको बोला जाता है पोलियो और लिथिक, दो शब्दों से मिलकर के बना है इसका नाम, जो कि ग्रीक शब्द हैं। पोलियो का मतलब होता है पुराना और लिथिक का मतलब होता है पत्थर से। तो वह पुराना समय जहाँ पर पत्थर यूज होता था वो हो गया पुरापाषाण काल। 2 मिलियन वर्ष, 2 मिलियन मीन्स 1 मिलियन में 10 लाख, तो यानी कि 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक की अवधि को बोलते हैं पुरापाषाण काल। बहुत ही लंबा समय है, क्योंकि और पुरापाषाण काल को भी तीन काल में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। समझ गए आप? पुरापाषाण काल को भी, इतने लंबा जो पीरियड है 20 लाख साल से लेकर 12,000 वर्ष तक, इसको भी तीन भागों में बांटा है, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। और भारत में जो पुरापाषाण काल के दौरान जो पता चला है कि शुतुरमुर्ग हुआ करते थे, और शुतुरमुर्ग के जो अंडे थे उनके ऊपर भी उस समय चित्रकारी की गई थी, अंडों के छिलकों के ऊपर, और शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके बनाए जाते थे ऐसा भी मालूम चला है। भीमबेटका, हुंसकी, कुरनूल जो गुफाएं हैं, जो कि कुछ पुरापाषाणिक स्थल हैं। मध्य पाषाण काल क्या है? कि यह कौन सा समय था? कि जब पर्यावरणीय बदलाव प्रारंभ हुए थे। 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है मध्य पाषाण काल? देखो, 20 लाख से लेके 12,000 वर्ष तक को बोला जाता है पुरापाषाण काल, इसी तरह से 12,000 से 10,000 वर्ष को बोला जाता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो औजार हैं वह उनका आकार छोटा हुआ करता था, और जिनको सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहा जाता था। समझ गए आप? इसके बाद आया था नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल कब है? 10,000 वर्ष से लेकर के उसके बाद के समय को बोला जाता है नवपाषाण काल। नव मतलब होता है नया। तो इस काल में क्या था? पत्थर के जो औजार थे उनकी जगह पर धातुओं के हथियार यूज होने लगे थे धीरे धीरे नए समय में। बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, दाऊजली, हेडिंग, महागड़ा, पय्यमपल्ली, ये सभी क्या है कि नव पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं। आप समझ गए? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये है प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा था। तो उन तीनों युगों को इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो प्रारंभिक समाज में दोस्तों आपने कुछ चैप्टर्स को कवर किया। अगर आप देखेंगे कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो इसमें से क्या होगा, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि CTET 2012 में पूछा गया था एक, कि पुरापाषाण स्थल कौन सा है, जैसे कि भीमबेटका, बुर्जहोम, इमाम गांव और हल्लूर, इस तरह का क्वेश्चन आया था। और इसी के अलावा और भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8,000 वर्षों पहले गांव में रहना आरंभ किया था, तो वे क्षेत्र कौन से थे? तो ये कौन से भी आएंगे, नव पाषाण काल में आ जाएंगे, जो कि आपको लास्ट में बताए थे। और मानव इतिहास का कौन सा काल सबसे लंबा है? पुरापाषाण युग, महापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो सबसे ज्यादा कौन सा था? पुरापाषाण ही सबसे लंबा था, ये भी आपको मालूम हो गया। और कि क्यों जो प्रारंभिक मानव था एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमता था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसमें कि आपसे पूछा जा सकता है कि पाषाण काल का पुरास्थल कौन सा है, शुतुरमुर्ग के अंडों के मन के किस काल में बनते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आते हैं इस चैप्टर से। तो अब आपने समझ लिया जो मैंने आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको बुक्स वगैरह में कम ही मिलेंगी। तो आप इस तरह से अब इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। इस चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने नोट्स में इनको लिखते जाइए कि कौन से युगों में बांटा है, कौन से काल को, और आरंभिक मानव के बारे में क्या क्या जानकारी आपको मिली उसको ध्यान कर लीजिए, ठीक है? दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।